हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो साथी, आज हम काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया था और वो बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए साथी, शुरू करते हैं आज का सेशन। साथी, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो डिले क्यों हो रहा है, पहले हम सारी एनालिसिस को जानेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि कब आपका रिजल्ट आ सकता है। पहला क्या है, कोर्ट केस। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बिहार सरकार के जो पटना हाई कोर्ट का फैसला था उसको बिहार सरकार ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला जो आपका रीजन है वो है कोर्ट केसेस। दूसरा रीजन यह है न्यू रोस्टर क्लियरेंस। तीसरा रीजन यह है बैकलॉग की सीट की गणना की जा रही है। साथ ही चौथा रीजन ये है तत्वा जाति को जो पहले एससी कैटेगरी में डाल दिया गया था। साथ ही ये जो बिहार सरकार है ना, ये काफी ज्यादा उल्टा पुलटा काम कर रही है। पहले उसने क्या किया, एससी कैटेगरी में तांती तत्वा जाति को डाल दिया। अब क्या किया, वो बेचारों को अब उससे निकालकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसको बीसी वन में डाल दिया गया। क्या खेल अजीब ही चल रहा है साथी। तो जो आपका चौथा रीजन था वो यही है कि तांती तत्वा जो जाति है उसको एससी से बीसी वन में डाल दिया गया है और इनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपडेट करने का मौका दिया है 23 सितंबर। तो ये मानकर चलिए 23 सितंबर तक तो नहीं आने वाला, ये सभी को पता होगा, आपको भी पता। साथी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक आ सकता है साथी। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो पीआरटी का रिजल्ट अप्रॉक्स 27 से 10 अक्टूबर के बीच में आएगा। साथी हम आपको बता दें, सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है वो पीआरटी का आएगा। पीआरटी का इसलिए आएगा क्योंकि पीआरटी में एक सिंगल सब्जेक्ट है, जनरल पेपर है, एक उर्दू, एक आपके बांग्ला का, तो तीन कैटेगरी में इसका रिजल्ट जारी होगा, तो इसमें इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपका रिजल्ट जो है वो आपका पीआरटी का आने वाला है अप्रॉक्स 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद में आपका जूनियर का पॉसिबिलिटी है साथ ही कि पीआरटी के साथ ही जूनियर का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाए। अगर कोई एज फंसता है साथी तो ये मानकर चलिए कि 1 से 2 दिन का गैप दे, पीआरटी के 1 से 2 दिन के बाद में आपका जूनियर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और टीजीटी प्लस पीजीटी का एक साथ रिजल्ट जारी होगा और इसमें लगभग 1 से 2 दिन लगेंगे। तो ये मानकर चलिए कि आपका जो पीआरटी और जूनियर का है वो आपका 27 से 10 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। और जो आपका टीजीटी पीजीटी का है, जो भी 9, 10, 11, 12 का है, तो वो ये मानकर चलिए कि पीआरटी और जूनियर के 1-2 दिन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहा है। और आप टीआरई 4 के लिए पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है।